अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, प्लेन में बैठने जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी पहली हवाई यात्रा को सक्सेसफुल बनाएं। तो हम लोग पहुंच गए लखनऊ के चौधरी चरण अमौसी एयरपोर्ट पे, जो कुछ इस तरीके का नज़ारा मिलेगा। सबसे पहले आपको एंट्री गेट पे मिलेंगे CISF के जवान, जो आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे आपके आधार कार्ड और टिकट देखकर, जिसके बाद आपको उस विंडो पे जाना है जिस कंपनी की आपकी टिकट है। सपोज मेरी गो एयर की थी तो मैं गो एयर के विंडो पे जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको अपना टिकट और आधार कार्ड दिखाना है। फिर से देखिए लगेज हमारा सबमिट हो रहा है, यहाँ पे लगेज सबमिट होने के बाद आपको एक स्लिप दे दी जाएगी और इसे ये देखिए ये स्लिप है, इसी से आपको आपका बैग वापस मिलेगा जो स्लिप आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसमें आपको अपने सारे सामान को बाहर निकालना पड़ता है, जैसे वॉलेट हो गया, कैमरा हो गया, घड़ी और जितनी भी चीज़ें होती छोटी सी बड़ी, लैपटॉप हो गया आपका, जितनी भी चीज़ें होंगी आप सबको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद में ये स्कैनिंग के लिए जाएगा। फ्लाइट थोड़ी सी लेट है और ये हमारा बोर्डिंग पास है, हो सकता है आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो। जब तक फ्लाइट नहीं आती सोचते जब तक कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत समय। तो चलिए एयरपोर्ट की कैंटीन कैसी दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है ब्रेड पकौड़ा, चाय, सैंडविच एंड कॉफ़ी। तो आज खाएंगे आपके सामने और बताएंगे कैसा है। तो ब्रेड पकौड़ा कैसा लगा ये आपको? नहीं, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बेकार है यार। चाय कैसी लगी आपको? कोई टेस्ट नहीं बिल्कुल। ओके, तो चलिए चाय ऐसी जैसे लग रही जैसे कि हम लोग यहाँ नहीं पीते 5 रुपये की। और मिली कितने की चाय आपको? नहीं, अब चाय टोटल कितना, 502 रुपये का है। 502 सैंडविच है और दो, एक चाय एक कॉफ़ी ली, सैंडविच लिया और एक ब्रेड पकौड़ा। बिल आया हमारा 502 रुपये। इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। ये देखो जरा ये पकौड़ा मैं टेस्ट करके बताता हूँ। अब ये देखिए, सर ने बताया कि अच्छा नहीं है, तुम अच्छा ही नहीं होगा, मैं भी ट्राई कर देता हूँ। ये देखिए ये फ्रेश नहीं है, ये देखो ये सब बेसन अंदर जो है बड़ा कच्चा है। ये जो देखिए ये तेज आंच में डाला गया, तेज आंच में डालने के बाद ये अंदर का जो बेसन है ये सब कच्चा कच्चा रह गया है ना। कढ़िया तो चढ़ी नहीं भैया, यहाँ पे तुमको गरम गरम डाल डाल के देंगे, तो स्टोर वाला है ना, स्टोर करके दे दिया। चलो ट्राई करते हैं। सैंडविच भी आपका 5 में से 1 नंबर इसको देंगे। काफ़ी में कोई बढ़िया, काफ़ी फर्स्ट क्लास है। कड़वी लग रही है क्योंकि ओरिजिनल काफ़ी, इसको पीस के देते हैं ना। सिंपल सी बात है, एयरपोर्ट में मजबूरी हो तो ही खाना खाएं, अदरवाइज आप बाहर से ही खा कर आइए, यहाँ पे खाना के नाम पे खाली लूट रहे हैं। अब इसको क्या कहते हैं कि देखिए क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते। चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं। चलो आगे का फिर एक दिखाते हैं, कुछ नया नया दिखाएंगे। ये आपकी फाइनल एंट्री होती है। फाइनल एंट्री के बाद आपके लिए बसेस आती हैं, आप बसेस में बैठते हैं, उसके बाद में ये बसेस आपको आपके प्लेन तक इसको लेकर जाएंगे। तो ये है लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट का अंदर का नज़ारा, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। आप बाहर से देखते होंगे कि प्लेन जब दिखाई देते हैं तो इस तरीके से दिखाई देते थे, लेकिन ये अंदर का है। और ये है हमारी प्लेन। तो अब हम लोग बस से उतरेंगे और उसके बाद में सीधा अपने प्लेन के पास आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये देखिए प्लेन यहाँ पे इस तरीके से खड़ा रहता है और ये इस तरीके से जो स्टेयर्स होती हैं, इसकी सीढ़ियाँ होती हैं वो लगा दी जाती हैं। इसके बाद में आपको प्लेन की तरफ जाना होता है। ये है प्लेन के अंदर का नज़ारा, देखिए ऊपर सामान रखने की जगह होती है। अगर आपके पास पिट्टू बैग है, बैकपैक है, तो आप अपना छोटा सा सामान ऊपर रख सकते हो, बड़ा लगेज नहीं आ सकता है, वो आपका लगेज में जाता है, तो छोटा सामान आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो नीचे आ जाते हैं, तो ये इस सिलेंडर से सबको ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ये है प्लेन की सीट, ये ऐसे यहाँ से खुल जाती है, इस पे आप चाय कॉफ़ी अपना लैपटॉप कुछ भी रख सकते हो, बहुत ही आरामदायक हो गया। हम यहाँ इसको क्लोज़ कर देते हैं। और ये कुछ गाइडलाइंस दी है अगर एयरपोर्ट में क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है और इमरजेंसी में आपको क्या करना है, इसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्स दे रखे होते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी में काम आएगा। प्लेन का सफ़र करें तो इसे ज़रूर पढ़ें।
इसके बाद में प्लेन होता है वो रनवे पे आना शुरू करता है धीरे धीरे। हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो। मे वी हैव योर अटेंशन प्लीज, द एयरक्राफ्ट इज नाउ रेडी फॉर टेक ऑफ। प्लीज एंश्योर दैट विंडो शेड्स आर केप्ट इन द ओपन पोजीशन फॉर टेक ऑफ। वी विल बी डिमिंग द केबिन लाइट्स फॉर टेक ऑफ। इफ यू विश टू रीड, प्लीज स्विच ऑन द रीडिंग लाइट्स लोकेटेड इन द पैनल अबव यू। थैंक यू एंड प्लीज एंजॉय योर फ्लाइट। धीरे धीरे वो अपने रनवे पे आता है। ये देखिए, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी हेजिटेशन होती है लेकिन उसमें कोई डरने की बात नहीं है। मुझे भी पहली बार थोड़ा सा अजीब सा लगा था और जब मैं प्लेन उड़ नहीं गया था बहुत ही एंग्जाइटी हो रही थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही रनवे अपने उस पर आता है वो तुरंत टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। और ये देखिए कितनी स्पीड में जा रहा है प्लेन। ये लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट का पहली बार मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ये देखिए वो रहा छोटा छोटा जहाज और हम ऊपर। मुश्किल से हमें 2 से 4 मिनट लगा और हम लोग आसमान में खो गए और नीचे कुछ दिखना बंद हो गया। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये है प्लेन का इंजन, इसको मैंने आगे से शॉट लिया था। इसी इंजन पे पूरा दारोमदार होता है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। आपको इस तरीके की छोटी छोटी बॉटल दी जाती है। पहले फूड दिया जाता था लेकिन कोविड की वजह से अब 2 घंटे से कम की फ्लाइट वालों को तो अगर आप भी सोच रहे हो खाना मिलेगा तो नहीं मिलेगा भाई। ये है प्लेन का आगे का हिस्सा जिसमें हम लोग आते जाते हैं और इसी के बगल में वॉशरूम है। बहुत लोग सोचते होंगे कि प्लेन का वॉशरूम कैसा होता है, तो ये देखिए इस तरीके से होता है। ये अंदर का पार्ट है, नॉर्मल जैसे ट्रेन में होता है वैसे ही होता है। और लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ये साफ़ सफाई बहुत होती है। यहाँ पर टिश्यू पेपर दे रखे हैं और ये मैं हूँ जो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल में ही आपको वॉशरूम मिलेगा। बहुत लोग की उम्मीद होती है कि भाई वॉशरूम में न मत जाना, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, देख लो एकदम नॉर्मल है। तो मुश्किल से 50 मिनट हुए होंगे कि हम लोग दिल्ली सिटी के ऊपर आ गए हैं और अब हमारा जो प्लेन है वो लैंड होने जा रहा है। और ये लैंड होने वाला है, लैंड होने वाला है और ये लैंड हो गया। ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा, बहुत सारे यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेन्स वगैरह खड़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जब लैंड होता है थोड़ा सा झटका लगता है बट बहुत माइल्ड सा होता है, जैसे झूला झूलते हैं वैसा होता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। लैंड कराने के बाद जैसे हम लोग टेक ऑफ के लिए कर रहे थे सारी चीज़ें, वैसे ही अब लैंड में होगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल में आपका स्वागत है। वहाँ का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आपसे निवेदन है कि अपने फेशियल मास्क लगाओ, सीट पॉकेट और विमान के किसी अन्य भाग में ना छोड़ें। इन्हें केवल अराइवल हॉल में 12 मिनट में डालें। हम आशा करते हैं कि आप यात्रा सफल रहे और कैप्टन वी बुधराजा और सभी क्रू की ओर से फोकस से यात्रा देने के लिए धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Indira Gandhi International Airport Domestic Terminal, Delhi. The outer temperature is 32 degrees Celsius. Customers are requested not to leave behind any personal protective equipment like facial mask and gown in the seat pocket or anywhere in the aircraft. We are requested to kindly dispose them only in the bias of the basement and the arrival hall. We do hope you had a comfortable flight, and on behalf of Captain V. Budraja and the entire crew, we thank you for choosing to fly with Go First. सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आप जो सिने में थे अपने स्थान पर भी बैठे रहें जब तक आपकी रोग की घोषणा नहीं की जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग कस्टमर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन। इसके बाद में प्लेन अपनी जगह पे खड़ा होगा, फिर बस आएगी, फिर बस में हम बैठेंगे और फिर इसके बाद में एग्जिट करेंगे।
क्या यहाँ पे अभी कहीं और चल रहा है? ठीक है, चलते हम लोग बाहर। बाहर निकल रहे ना? हाँ बाहर, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। देखिए सभी लोग फिर से बस से उतरेंगे और फिर एग्जिट करेंगे। ये है आगमन अराइवल। प्लेन से उतरने के बाद सबसे पहले आपको जाना जहाँ पे आपके बैग्स और लगेज होते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ से पिक करना है, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग एयरपोर्ट से निकल कर जा रहे हैं होटल। हाँ। और होटल कैसा होगा आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे दिल्ली में क्या क्या चीज़ें। ओके।